नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग देखने आए हैं रेशम की खेती जो है वह किस प्रकार से की जाती है, और साथ ही यहाँ पर हम जैसे ही आए यहाँ पर जो किसान भाई थे वह सिल्क वॉर्म को जो है वह एक प्लांट से दूसरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, उसको फैला रहे थे ताकि जो है वह सारे पौधों में जो है वह हमारे कोकून तैयार हो पाए। रेशम जो होता है दोस्तों, यह सबसे महंगी धागे है और ये साथ ही सबसे चमकीली धागा है, और इससे बने जो कपड़े हैं वह गर्मी के दिनों में हमें ठंडा और ठंडे के दिनों में हमें गर्मी प्रदान करती है। तो इसकी बहुत सी खासियत है और इसका जो है हमारे विश्व में काफ़ी डिमांड भी है। तो आज हम जानेंगे कि रेशम की खेती जो है वह किस प्रकार से की जाती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सिल्क फार्मिंग जो है उसे हम सेरीकल्चर भी कहते हैं, और सेरीकल्चर में हमारा जो भारत देश है वह सेकेंड पोजिशन पर है। सेरीकल्चर जो है वह उसमें उपयोग में लाने वाले जो कीट है उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसकी खेती किस तरीके से होनी है। और इसमें उपयोग में लाने वाले जो कीट है मुख्यतः चार तरह के हैं। पहला होता है टर्सर, मुर्गा, मुलबेरी और इरी। ये मुख्य चार कीट हैं जो उपयोग में लाए जाते हैं, और इसमें जो सबसे अधिक जो फार्मिंग होती है जिस कीट पर वह है मलबेरी। मलबेरी जो है वह शहतूत के पेड़ पर की जाती है, इसको हम आगे बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं जो मूंगा होता है उसकी खेती जो है वह किस प्रकार से की जाती है। भैया, सबसे पहले हमारे सामने किसान भाइयों को अपना परिचय दीजिए और ये जगह का परिचय कराइए। मेरा नाम है रघुनंदन सिंह पोरते जी, ग्राम सी, जिला बिलासपुर, थाना रतनपुर जी। रेशम की खेती कब से कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। इसका खेती तकरीबन 8-10 साल से जी। और इसकी मतलब आपने गवर्नमेंट के थ्रू शुरू की थी इसकी खेती? हाँ जी, अभी कर रहे हैं वो भी गवर्नमेंट के थ्रू है जी। तो इसकी खेती के लिए सबसे पहले जैसे किसान भाई सामने जो देख रहे हैं वो उनको बताइए कि इसकी खेती जैसे किस प्रकार से होती है, शुरुआत कैसे की जाती है उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले इसमें आपने पेड़ लगाए, कौन से पेड़ के लिए सुटेबल रहता है ये? अर्जुन वृक्ष कौहा जी। और अभी हम जैसे यहाँ पर आया हमने देखा कि आप कीड़े निकाल रहे थे एक पेड़ से, तो उसका प्रोसेस कैसे कर रहे थे आप उसके बारे में बताइए। इसका फर्स्ट हमें ना जी इसका अंडा आता है DFL, हाँ, ट्रे में फैला कर रखते हैं जी, फिर पत्ती वट्टी डाल दे रहते हैं जी, फिर पत्ती में चढ़ जाता है ना, हाँ, तो उसको फिर ऐसे डालते हैं पेड़, हाँ, तो धीरे धीरे बढ़ता है अपने अवस्था के हिसाब से जी। इसका पांच अवस्था होता है जी, अवस्था मोल्टा कहते हैं उसको हम जी। फर्स्ट मोल्टा में छोटा छोटा रहता है जी, फिर अपने शरीर का पूरा निकालता है जी, उसके बाद धीरे धीरे चार दिन में फर्स्ट मोल्टा होता है जी, दूसरा 4-5 जी, फिर तीसरा 7-8 दिन लग जाता है, अभी ये तीसरा अवस्था में है जी, अभी फिर बैठेगा चौथा मोल्टा जी, उसके बाद चौथा से उठेगा तो 8-15 दिन खाएगा पत्ती जी, फिर ककुन बनाएगा जी। और इसमें कीड़ों में कोई भी समस्या आती होगी उसके बारे में बताइए। चींटी, चींटी भी खाता है जी, पक्षी भी पसंद करते हैं जी। और कौन सी बीमारी आती है इसमें? बीमारी चार प्रकार की बीमारी होता है जी, फेब्रिन वायरल जी, बैक्टीरियोसिस वायरोसिस जी। और इसका मार्केट किस प्रकार से, बाजार में इसको आपको क्या रेट मिलते हैं उसके बारे में बताइए। इसका ग्रेड हिसाब रहता है जी जी, ए ग्रेड का 3000 तीन और बी का 2500 जी, 2500 हज़ार, हाँ, और सी का 19 और डी ग्रेड का 1300 जी। उसके बाद लास्ट ममरा आता है जी, 500 में जाता है, 500 हज़ार जी। धन्यवाद। साथियों, ये जो पौधा देख पा रहे हैं यह जो है वह शहतूत का पौधा है। आपको मलबेरी की सिल्क जो होती है उसकी फार्मिंग करनी है तो आपको पहले शहतूत के जो पौधे हैं वह तैयार करने होंगे, उसके बाद फिर आप मार्केट से जो है वह अंडे या फिर लार्वा लेकर के आएंगे मलबेरी सिल्क के लिए जो वर्म होते हैं, कीट होते हैं उसकी। तो यदि आप अंडा लेकर के आते हैं तो अंडे को आपको क्या करना होगा, काले कपड़े में लपेट करके उसे 12 घंटे के लिए अंधेरे में रखना होगा जिससे कि लार्वा बाहर निकलने लगेंगे। यदि आप लार्वा लेकर के आते हैं, 10 दिन का लार्वा होता है, तो आपको क्या करना है, एक बकेट में जो है वह पत्तियों को डाल देना है, उसके ऊपर आप लार्वा डालते हैं तो फिर वह उसे खा करके बड़े होने लगते हैं। लार्वा के जो होते हैं 3 स्टेज होते हैं, उसके बाद फिर वह कोकून बनना तैयार होता है। सबसे पहला आता है जो कि है लार्वा, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आता है प्यूपा, फिर तीसरे नंबर पे कोकून होता है। कोकून जो होता है साथियों, ये उसके लार होते हैं। हम इससे जो है वह सिल्क को लेना नहीं शुरू करते जब तक वह मैच्योर ना हो जाए, क्योंकि जितना मैच्योर होगा उतना ज़्यादा लार
बाहर निकालेगा और वो उससे ज़्यादा हमें रेशम के जो धागे हैं वो मिल पाएंगे। तो फिर इसको हम कौन से स्टेज में आने दे देते हैं, कोकून स्टेज में आने देते हैं। उसके बाद फिर वह धागा लार निकालते जाता है, धागा तैयार करते जाता है और उसमें खुद फंस कर वह मर जाता है। उसके बाद फिर उससे हम धागे निकाल लेते हैं। यदि आप जो है वह शहतूत की खेती करते हैं एक एकड़ में, तो फिर आपको उसमें जो है वह 300 से 400 350 इस बीच में जो है वह आपको कोकून प्राप्त होंगे एक महीने में। और इसकी बाज़ार रेट जो होती है वह इसकी जो सबसे जो खेती जो मुख्यतः हमारे देश में की जाती है वह कर्नाटका में की जाती है। तो आपको उसके अच्छे दाम के लिए जो है वह कर्नाटका के बाज़ार में यदि आप उसको लेकर के जाते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छा रेट आपको देखने को मिलेगा। मार्केटिंग आप अपने एरिया के हिसाब से देख करके इसकी फार्मिंग कर सकते हैं। और कोई भी युवा जो है वह अभी सिल्क फार्मिंग में आना चाहते हैं, रुचि है, जो अलग तरह की खेती करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत बेहतर है कौन सा वाला, मलबेरी वाला। इसमें आपको शहतूत की फार्मिंग करनी होगी, उसके बाद फिर आपको बाज़ार से अंडे या फिर लार्वा ला करके उसमें डालना होगा। यह काफ़ी कम एरिया में हो जाता है, बस शहतूत के लिए आपको जो है वह बड़े से एरिया में उसको तैयार करना होगा। इस तरह की इससे खेती जो है वह कंप्लीट हो जाती है। साथियों, उम्मीद करता हूँ हमारी यह रेशम कीट की जो खेती है वह आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही इससे आप लोगों को थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग या फिर अलग तरह की जानकारी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। जल्दी मिलते हैं अगली।